नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे पास राज कुंद्रा का एक नया व्हाट्सएप चैट मौजूद है। राज कुंद्रा को मालूम था कि वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ सकता है और इसी वजह से कुंद्रा ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया था। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि जांच में जुटी है और सबके मन में सवाल यही है कि कुंद्रा के बाद पुलिस की नजर अब किस पर है। मुंबई पुलिस के अनुसार नई अभिनेत्रियों को वेब सीरीज में अच्छे ब्रेक का लालच देकर ऑडिशन के लिए बुलाया था, जहां उन्हें अश्लील फिल्म करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो किस तरीके से जो पूरा झूठ है वो एक्सपोज अब हो चुका है और आपको पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की साजिश का एक एक पर्दाफाश अब होता जा रहा है। जी न्यूज के पास राज कुंद्रा के कुछ और व्हाट्सएप चैट्स भी मौजूद हैं जो सामने आ चुके हैं, जिसको हम आपको दिखा चुके हैं, जिससे साफ होता है कि राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी पर पुलिस के खतरे का अंदेशा था और उसने इसको देखते हुए प्लान बी को भी तैयार कर लिया था। 18 नवंबर 2020 को गूगल प्ले स्टोर ने पॉलिसी वायलेशन की वजह से राज कुंद्रा के एप्लीकेशन हॉटशॉट्स डिजिटल को सस्पेंड किया था। लेकिन जी न्यूज के पास मौजूद ताजा चैट्स बताती हैं कि राज कुंद्रा को पहले से इस बात का अंदाजा हो गया था। ऐप सस्पेंड होने की खबर से भी राज कुंद्रा को कोई परेशानी नहीं हुई। राज कुंद्रा लिखता है कि प्लान बी अब शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सप्ताह में नया एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड पर लाइव हो जाएगा और इस पर हॉटशॉट्स डिजिटल में डिजिटल मार्केटिंग करने वाला रॉब कहता है। वो चैट हम आपको एक्सक्लूसिवली बार बार दिखा रहे हैं। ये चैट जब शुरू होती है तो रॉब क्या कहता है वो आपको बताते हैं। देखिए, वो चैट इस वक्त आपके सामने है। जब तक नया ऐप नहीं आ जाता है तब तक क्या हम सारी बोल्ड मूवीज को डीएक्टिवेट कर दें? इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है, सवाल पूछ रहा है रॉब। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिस्टोर करने की अपील हमें करनी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट राज कुंद्रा का प्रदीप बख्शी के साथ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरी बातचीत, ये पूरा प्रकरण शुरू होता है और ये जो बातचीत रही है इसमें कुलऑर्डर से लेके कुलकॉइन से लेके कुल सेल, एमटीडी सेल, लाइव रेवेन्यू से लेकर जो मूवी सेल है उसका पूरा डेटा मौजूद है। जो राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी के बीच में बातचीत हुई है, जो चैट हुई है, उसमें प्रदीप बख्शी ने बहुत अच्छा कहा। और प्रदीप बख्शी हमारी एक लाइव आर्टिस्ट हैं, प्रिया सेन गुप्ता इनका नाम है। उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं आपसे, क्या आप मदद कर सकते हैं? राज कुंद्रा ने प्रदीप बख्शी को कोट करते हुए लिखा है इसमें। तो मुझे शक है ये ALT बालाजी को नहीं हटा पाएंगे। राज कुंद्रा ने इस बात का जिक्र किया, ये इतना सीरियस नहीं है, वो सिर्फ आपत्तिजनक जो तस्वीरें उसको लेकर, और अगर एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट को हटा लेंगे, ये कहा गया है उमेश कामत द्वारा। ये राज कुंद्रा उमेश कामत का चैट जो है उसका हम आपको दिखा रहे हैं, क्या बातचीत इनके बीच पे इस बीच रही है। तो भविष्य लाइव कंटेंट ही है, क्योंकि स्क्रीन को लेकर यहाँ पर जो भी बातें शेयर हो रही हैं और जिस प्लान बी का हम एक्सक्लूसिवली जिक्र कर रहे हैं उसकी तैयारी किस तरीके से थी। गूगल प्ले पर हॉटशॉट्स बंद होने पर दूसरा ऐप तैयार है, बॉलीफेम नाम से दूसरा ऐप तैयार था। राज कुंद्रा का प्लान बी था, उसको मालूम था कि मैं पुलिस के रडार पर जल्द आ सकता हूँ, लिहाजा तैयारी पूरी थी प्लान बी की, डोमेन खरीदने की तैयारी कर रखी थी। राज कुंद्रा का जो प्लान बी है वो किस तरीके से पूरा रेडी था, तैयार था, इसको लेकर वो काफ़ी आश्वस्त भी था कि अगर फंसता हूँ तो आने वाले वक्त में तैयारी प्लान बी की हमारे पास रेडी रहनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए। इस बीच मॉडल सागरिका सोना सुमन ने राज कुंद्रा उमेश कामत पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सागरिका ने कहा कि वेब सीरीज के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों के कारोबार में धकेल दिया जाता है। सुनिए जरा क्या कहना है सागरिका का। ये राज कुंद्रा जो काम के नाम पे लोगों को, लड़कियों को झांसा देकर और इन्हें इतने गंदे जगह पे ये लोग लेके चले जाते हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते कि लड़कियां कहाँ जाके फंसती हैं। पहले तो ये काम का झांसा देते हैं, फिर ये बिकनी शूट करने के लिए कहते हैं, बिकनी शूट पे फिर बोल्ड शूट पे आता है, बोल्ड शूट पे फिर न्यूड शूट पे आता है, न्यूड शूट से लड़कियों को लगता है चलो अब कर लिया तो शायद अगर हम ना करें इस काम को तो शायद हम बॉलीवुड से बाहर चले जाएंगे, बैक टू पवेलियन जाना होगा। लेकिन प्लीज़ उन लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा ना सोचे और गंदी चीज़ों से बच के रहें। ये बोल्ड शूट होते होते एक दिन लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे चली जाती है, कॉल गर्ल्स बन जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को समझना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस तरह से उमेश कामत ने या राज कुंद्रा ने जिस तरह से मुझसे डिमांड किया था वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन का, तो मैं भी डिमांड करना चाहती हूँ कि उनकी जाँच हो, उनकी पूरी फैमिली की,
और ये राजकुंद्रा तो छोटा सा प्यादा है, पता नहीं इनकी तरह कितने राजकुंद्रा होंगे जो इस तरह का स्कैंडल चला रहे होंगे, जो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में या कॉल गर्ल बना के और प्रोस्टिट्यूशन में ला रहे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुंबई पुलिस से, मुंबई हाई कोर्ट से, कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोर शोर से किया जाए और बहुत अंदर तक किया जाए, ताकि जितने भी मुखौटे हैं, जितने भी चेहरे छुपे हुए हैं, वो सब सामने आए। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं राजकुंद्रा की तरह, मुझे लगता है कि लाखों लोग हमारे देश में होंगे जो इस तरह का स्कैंडल करके पैसे कमा रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि 2,000 करोड़ का स्कैंडल चल रहा है हमारे देश में, और जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है इस तरह का सेक्स रैकेट चलना या सेक्स स्कैंडल चलना। ये लोग कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करते होंगे, पहले वेब सीरीज का झांसा देके, काम का झांसा देके, फिर अब उन लोगों को बरगलाते होंगे और उनको ऐसी गंदी चीज़ों में ले आते होंगे। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी वेयर एंड ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें, और ऐसे झांसे में बिल्कुल ना फंसे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाए। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई सेलिब्रिटीज के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच मॉडल पूनम पांडे ने कहा कि उन्हें शिल्पा शेट्टी और उनके दो बच्चों की चिंता सता रही है। पूनम ने कुछ समय पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा के खिलाफ केस फाइल किया था, सुनिए जरा। एट दिस मोमेंट माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा शेट्टी एंड हर किड्स। आई कांट इमेजिन व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. और इस खबर पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक खास मेहमान है, उन सबका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जितेंद्र हमारे जी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से जो है जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ पेशे से मॉडल है प्रियदर्शनी, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। हेलो प्रियदर्शनी, कैसी हैं आप? लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस अब सामने आ रहा है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और जी न्यूज लगातार ये खबर भी दिखा रहा है व्हाट्सएप चैट के आधार पर कि ये पूरा नेक्सस दरअसल कैसे मॉनिटर हो रहा था, चल रहा था, इसका पहले कैसे ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन मैं बतौर मॉडल आपसे जानना चाहती हूं, कई सारे मॉडल्स के संगीन सनसनीखेज आरोप सामने आ रहे हैं कि काम देने के नाम पर, ऑडिशंस के नाम पर बोल्ड शूट करवाए जाते हैं, और ऑडिशन देने आ पाते हैं किसी और काम के लिए आपको कहा जाता है कि आपको बोल्ड शूट करना होगा। आप बतौर मॉडल इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को कैसे देखती हैं और साझा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस महत्वाकांक्षा को रखती हैं आने के लिए इस पूरे लाइमलाइट की फील्ड में, लेकिन उनको रोकना होगा वक्त रहते, क्योंकि ऐसे राज कुंद्रा एक नहीं कई सारे मौजूद हैं जो कभी भी कहीं पर भी आपको ट्रैप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली निधि जी आपने, और मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि सिर्फ एक राज कुंद्रा नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो कि आपके ऊपर काम कर रहा होता है। ये आपको इस तरीके से बरगलाते हैं, इस तरीके से आपको हसीन सपने दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुंबई जो है सपनों की नगरी है, लेकिन तमाम वो जो लड़कियां हिंदुस्तान की जो मुझे अभी सुन रही हैं इस प्लेटफॉर्म में, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म में, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि ये सपनों की नगरी है, लेकिन ये जो चकाचौंध जो आप सामने से देख रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खाई है और गंदगी है। हम जो शिखर में लोग देखते हैं वो सिर्फ 1% देखते हैं, सिर्फ 1%, मात्र 1%, लेकिन उसके पीछे जो 99 लड़कियां जो कि 10th पास करके 12वीं पास करके भाग के ट्रेनों में या अपने किसी प्रेमी के साथ भाग के आ जाती हैं, और उसके बाद उनका शोषण शुरू होता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अपना किराया देना है, एक आम से मैं बता रही हूँ कि एक छोटे से 1 BHK फ्लैट का भी आपको किराया 25,000 रुपए देना पड़ेगा। अभी 25,000 रुपए महीना कमाने के लिए आपको कहाँ कहाँ किधर किधर जाना होगा, आप ये सोचिए, इफ यू डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड, आप एक्सप्लॉइट होंगे, और होती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत साल रही हूँ,
बहुत काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम किया है, टेलीविजन में काम किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको वहां पे हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि कास्टिंग के लोग सारे खराब होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, आपको इस दलदल में बहुत ही धीरे से महीन तरीके से आपको लाने की कोशिश करेगा। आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि आपको पता है ये एक्ट्रेस ने हमारे साथ ये किया था, आपको और बड़ी 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 अभिनेत्रियों के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, खुलेआम दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अरे जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं बिल्कुल कर सकती? मैं लौट रही हूँ, एक बड़ी जानकारी प्रियदर्शनी, मुझे रुकना होगा यहाँ पर, जितेंद्र के पास में आऊंगी, अंकुर त्यागी हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर्स है सबके पास, मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी साझा करते हैं जी न्यूज के तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जी न्यूज के हाथ में जो एक्सक्लूसिव बैंक डिटेल्स लगे हैं, देखिए वो बताने के लिए काफी है कि एक एक दिन में हॉट हिट से राज कुंद्रा और उनकी जो कंपनी है लाखों रुपए का बैंक ट्रांसफर करती थी। देखिए ट्रांजैक्शन कितने बड़े स्तर पर होता था उसका भी जिक्र है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 दिसंबर 2020 को अकाउंट में 3 लाख रुपए हॉट हिट के अकाउंट से जो है वो पहुंचते हैं। ये ट्रांजैक्शन होता है, कितना बड़ा ये ट्रांजैक्शन होता है वो हम आपको बता रहे हैं। 25 दिसंबर 2020, देखिए इससे पहले हमने बात की थी 22 दिसंबर, ठीक 3 दिन के बाद 25 दिसंबर 2020 को अकाउंट में 1 लाख रुपया हॉट हिट के अकाउंट से ट्रांसफर होता है। यहां पर फिर से ट्रांजैक्शन होता है। 26 दिसंबर 2020 को अकाउंट में 10 लाख रुपए हॉट हिट के अकाउंट से आते हैं और 28 दिसंबर 2020 को अकाउंट में 50,000 रुपए हॉट हिट के अकाउंट से आते हैं। और इस खबर पर और बात करते हैं और ज्यादा अपडेट लेते हैं। अंकुर आप लगातार इस खबर को करीब से कवर कर रहे हैं, जो भी जानकारी मिल रही है, जो मेजर मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिए 22 दिसंबर से लेकर अलग अलग तारीख पे पैसे को स्थानांतरित किया गया है। देखिए हॉट हिट के अकाउंट से लगातार पैसा जो है ट्रांसफर हो रहा था। और साथ ही साथ प्लान बी के बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप एक बार डिटेल से बताएं, क्योंकि यही वो प्लान बी है जो बताने के लिए काफी है कि एक बड़ा ऑपरेशन था और इस नेक्सस में अभी और भी किरदार हैं जिनका बेपर्दा होना बाकी है। अंकुर त्यागी देखिए, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो अभी तक बात की जा रही थी, कल जब से परसों से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लगातार जो कानूनी प्रक्रिया चली है, मोडस ऑपरेंडी समझ में आई कि कैसे ये लोग यहाँ से शूट किया करते थे मुंबई में और मुंबई के आसपास, और उसके बाद फीड को भेजा करते थे दिल्ली लंदन और वहाँ से अपलोड हो जाता था। मेन बात जो आ रही थी मनी ट्रेल, पैसा कहाँ से आता था, पैसा कैसे ट्रांसफर होता था। अब ये पहली बार स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक दिन के अंदर कई कई लाख रुपये ट्रांसफर हुए हैं। एवरेज अगर आप देखेंगे पूरा जो डिटेल है दिसंबर से लेके, दिसंबर 2020 से लेके जनवरी और फरवरी तक का हमारे पास है, इसके आसपास की जानकारी फिलहाल हम एक्सेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन दर्शकों को यह समझने के लिए कितना बड़ा रैकेट है, कितना बड़ा स्कैम है, यह आइडिया उनको लग जाएगा। एक एक दिन में 2.5-2.5 लाख रुपए का एवरेज ट्रांसफर इस अकाउंट से हॉट हिट जो है इनका, वहां से 790 जो लास्ट का 3 डिजिट है उस अकाउंट में गया है पैसा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 10-10 लाख रुपए तक इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। यह समझा रहा है इस इंटेंसिटी, इस पूरे स्कैम की, कितना बड़ा स्कैम था, कितना ज्यादा ये लोग पैसा कमाते थे। शॉर्ट एंड मनी है राज कुंद्रा, जो लगातार इस बात को डिनायल मोड पे रहे हैं। और डिनायल मोड में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब अदालत में पेश होने का वक्त आया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि $25,000 में मैंने अपनी कंपनी में अपने शेयर बेच दिए, मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये रोल एस्टेब्लिश होता है कि वो एक्टिव थे और उनको प्लान बी भी तैयार था, क्योंकि उनको पता था कि वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, भारत के कानून के खिलाफ वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो उनको उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने प्लान बी भी तैयार किया। लौटूंगी आपके पास जितेंद्र, मेरे साथ हैं जितेंद्र, आप दिल्ली से लाइव रिपोर्ट करें। जितेंद्र, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, या यूं कहा जाए मल्टीपल प्लान्स पहले से ही तैयार थे, क्योंकि इस बात की भनक थी राज कुंद्रा को कि आने वाले वक्त में मेरा पर्दाफाश हो सकता है, बहुत ही जल्द मैं रडार पर पुलिस के आ सकता हूं, लिहाजा तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जो बैंक डिटेल्स, जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी डिटेल हम एक्सक्लूसिवली साझा कर रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि नेक्सस बहुत बड़ा है, किरदार बहुत सारे इसमें हैं। आने वाले वक्त में जांच बढ़ेगी तो कई और लोग बेपर्दा होंगे, बड़ा सवाल है, इस बड़े सवाल पर नजर डालना जरूरी है। जितेंद्र शर्मा, देखिए निधि, राज कुंद्रा को इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉर्न कंटेंट को लेकर के सरकार सख्त हो रही है, नई गाइडलाइंस लेकर के आ रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यानी कि जो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो इस तरह की पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को अपलोड कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है। इससे सीधे तौर पर बिजनेस हैम्पर होता, उनका नुकसान होता, और इसीलिए जैसे इस बात की भनक लगी तो राज कुंद्रा ने
प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया था और इसी के तहत जो अपने जो दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको तैयार करना शुरू कर दिया था। देखिए जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म है वो काम करते हैं, जिस भी नेटवर्क के ऊपर अपलोड होते हैं तो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, और जिस तरह से प्ले स्टोर के ऊपर है या IOS के ऊपर जो इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये कंट्री स्पेसिफिक काम करती हैं, और जब उनको पता है कि भारत में इस तरह की कंटेंट पे बैन लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्लेटफॉर्म को वो अपलोड नहीं करेंगी या फिर उनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं देगा। इसी से बचने के लिए उन्होंने दूसरा प्लान जो है तैयार कर रखा था। तो ये बताता है कि किस तरह से जो राज कुंद्रा है अपने बिजनेस पर इन्वॉल्व था, उस पर नजर रखे हुए था, किस तरह से उसे पता था कि सरकार के अंदर पॉलिसीज किस तरह से बदलने वाली है, यानी कि वो इस पूरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व था और उसी के हिसाब से एक्ट कर रहा था। तो ये दावा उसका अपने आप ही खत्म हो जाता है जब वो कहता है कि वो बिजनेस में आउटसाइडर था और उसने जो बिजनेस में जो उसका बिजनेस था उसको उसने $25,000 में प्रदीप बख्शी को बेच दिया था या फिर। जितेंद्र बिल्कुल आप बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। प्रियदर्शनी भी हमारे साथ हैं, आप पेशे से मॉडल हैं, मैं प्रियदर्शनी के पास आऊंगी। इस बीच में जो अंकुर के पास जाना होगा, अंकुर एक दिन में लाखों की रकम का और या यूं कहा जाए कई दिन तक लगातार बार बार जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस अकाउंट डिटेल्स को हम साझा कर रहे हैं तारीख दर तारीख, वो अकाउंट दरअसल किसका है, वो अकाउंट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, यही इन्वेस्टिगेशन का अपना पड़ाव है, आगे आगे यही सब हैं बातें जिनको अभी इन्वेस्टिगेट किया जाना बाकी है। ये जो लास्ट डिजिट हमें जो दिखाई दे रही है 790, ये अकाउंट किस शख्स का है, क्या ये डायरेक्ट किसी कंपनी पर है या डायरेक्ट राजकुंद्रा से जुड़ा हुआ है या उनके आसपास जो जुड़े हुए लोग थे, जैसे कि हमें लगातार उस शख्स का नाम जो बख्शी प्रदीप बख्शी नाम का शख्स है उसका नाम इस पर निकल के आ रहा है। एक है उमेश कामत, क्योंकि उमेश कामत इंडिया के सारे ऑपरेशंस को देखता था, तो हो सकता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो फिलहाल इस वक्त मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल इस वक्त कर रही है। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र शर्मा बहुत धन्यवाद आपका भी, प्रदर्शन सिंह आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए जी न्यूज से। जी न्यूज पर फिलहाल वक्त प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।